कासगंज की सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने सूचना के आधार पर अवैध शराब से लोड पिकअप और स्कॉर्पियो कार को पकड़ा है। बरामद शराब की बाजार में 6,20,000 रुपए कीमत आंकी गई है, जिस पर मेड इन राजस्थान का लेबल लगा है। वहीं मौके से एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जबकि एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इंस्पेक्टर वीरेंद्र प्रताप गिरी को सूचना मिली थी कि मथुरा की ओर से एक पिकअप और स्कॉर्पियो कार में शराब माफिया अवैध शराब लेकर जिले में प्रवेश कर रहे हैं, जिस पर इंस्पेक्टर ने जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। इसके बाद एसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश पर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम अपना जाल बिछाकर नदरई तिराहे पर वाहन चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान नदरई तिराहे पर पुलिस ने मैक्स पिकअप वाहन और स्कॉर्पियो कार को रोका। जब वाहनों की तलाशी ली गई तो उनसे बड़ी मात्रा में अवैध शराब मिली। इस दौरान पुलिस ने जयपुर के फुलहेरा थाना क्षेत्र के पैंडीहारी निवासी सीताराम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं इस कार्रवाई को लेकर सीओ अजीत सिंह चौहान ने कहा कि पकड़े गए आरोपी ने अपने फरार साथी का जितेंद्र यादव नाम बताया है। आरोपियों के कब्जे से मैक्स पिकअप वाहन और स्कॉर्पियो कार बरामद हुई है, जिनमें लोड 185 पेटी अवैध शराब के 8,880 पव्वे मिले हैं। बरामद शराब की बाजार में करीब 6,20,000 रुपए कीमत आंकी गई है। वहीं बरामद शराब के पव्वों पर रॉयल क्लासिक विस्की मेड इन राजस्थान का लेबल लगा है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया, साथ ही फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक कासगंज बवंदर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण की दिशा में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज हमारी प्रभारी अधीक्षक कोतवाली कासगंज एवं एसओजी की संयुक्त टीम ने 185 पेटी अवैध मदिरा जो राजस्थान से बनाई गई है उसको बरामद करने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी कुल बाजार कीमत 6,20,000 रुपये की बताई गई है। इस बरामदगी के क्रम में एक अभियुक्त सीताराम जो थाना फुलेरा जनपद जयपुर राजस्थान का बताया गया है उसकी गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त जितेंद्र यादव नाम का वो मौके का फायदा लेकर के भागने में सफल रहा है, जिसकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इनके कब्जे से एक मैक्स पिकअप गाड़ी और एक स्कॉर्पियो भी बरामद की गई है। फलों की टोकरी के नीचे इस अवैध मदिरा का इनके द्वारा परिवहन किया जा रहा था। पूरे प्रकरण में समुचित धाराओं में अपराध पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।